प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आउं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट लाइ अॼु जो ॾींहुं बहितरु नाहे। वॾे अरसे खां पोइ न्यूज़ीलैंड जी टीम पाकिस्तान आयल हुई ऐं अॼु उन सीरीज़ जो पहिरियों वनडे हो, पर टॉस थियण खां कुझु पल पहिरियां न्यूज़ीलैंड जी टीम सिक्योरिटी जा जवाज़ ॼाणायो, दौरो मुलतवी कयो आहे। अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जेको न्यूज़ीलैंड जी टीम जो दौरो मुलतवी थियणु आहे, इहा दरहक़ीक़त कंहिंजी नाकामी आहे, इन जो ज़िमेवार केरु आहे, ऐं जॾहिं वज़ीर आज़म पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड जे वज़ीर आज़म खे फ़ोन करे थो पियो, त पोइ उन जा मुस्बत जेको आहे उहो जेके जवाबु आहिनि उहो छो न पियो अचे। अॼु के प्रोग्राम में असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त आई वोटिंग वारे मामले ते हुकूमत ऐं अपोज़िशन खां पोइ हाणे मुल्क जा ॿ इदारा आम्हूं साम्हूं अची विया आहिनि। वोटिंग मशीन वारो मामिलो केॾांहुं वेंदो, प्रोग्राम में हिन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त महांगाई कंट्रोल में नाहे, महांगाई क़ाबू न पई थिए, हुकूमत आवाम खे रिलीफ ॾियण में नाकाम छो आहे। इन्हनि तमामु तर मौज़ुनि ते अॼु के प्रोग्राम कबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे, असांजे स्टूडियो में जो मौजूदु आहे वीरजी कुली साहिबु, पाण वॾे वज़ीर जा एडवाइज़र आहिनि इंसानी हक़नि बाबति, ऐं हुन सां गॾोगॾु नुसरत वाहिद साहिबु आहे, पाण तहरीक इंसाफ़ जी एम एन आहिनि, ऐं असां कोशिशि कंदासूं त प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून जो बि मौक़ो वठूं। वीरजी कुली साहिबु, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं, वरी अरसे खां पोइ न्यूज़ीलैंड जी टीम पाकिस्तान आयल हुई ऐं अॼु सिक्योरिटी जो जवाज़ ॼाणाए उहो दौरो ई मुलतवी कयो आहे, अव्हां छा था सम्झो त इन जो जेका अगरि इहा नाकामी आहे त इहा नाकामी कंहिंजे हिसे में? ॾिसो, सभिनी खां पहिरीं त मूंखे अफ़सोस मुंहिंजे लाइ आहे, छो त एज़ ए पाकिस्तानी शहरी मुंहिंजी दिली ख़्वाहिश आहे त ॿाहिरि जूं टीमूं अचनि ऐं असांखे उहो इंटरटेनमेंट जो मौक़ो मिले, ऐं ख़ासि करे पाकिस्तानी माण्हू क्रिकेट सां तमामु घणो मुहबत करे थो, इन करे मुंहिंजे लाइ इहा का ख़ुशी जी ख़बर कोन्हे। ऐं हिन ते का बि सियासी पॉइंट स्केरिंग कोन कंदुसि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु आहे त इमरान ख़ान जेको क्रिकेटर आहे पाण, उन मां ॿियूं कुझु बि न, छो त हू पाण चई चुको त इन सां जॾहिं माण्हू को कॾहिं कंहिं पोज़ीशन ते अचे थो त उनखां पहिरियों जी ट्रेनिंग थियणु खपे, छो त जॾहिं माण्हू बेखबर आहे, दुनिया ख़बर ई कोन्हे, को एक्सपीरियंस कोन्हे, इहे माण्हू अचे थो त पोइ उनखे नाकामी मिले थी। त ॿ अढाई साल खां पोइ पाण इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ु करे चुको त असां छो त ज़हनी तरह तयारु कोन हुआसीं, असांजी का तरबियत कोन थियल हुई, ऐं आमतौर ते जॾहिं बि कंहिं माण्हू खे हिकु पार्टी में इक़दार में अचे थी त उनखां पहिरीं जी तरबियत थियणु खपे, त उनखे छा करिणो, उनखे कोई एक्सपीरियंस कोन हो, का ख़बर कोन हुई, बेखबर हो। पर घटि में घटि हिकिड़ी शइ जो उनखां ज़रूरु इहा माण्हू खे जेके पाकिस्तानी क्रिकेट जा जेके शौक़ीन आहिनि उन्हनि खे इहा उम्मीद ज़रूरु हुई त हीअ छो त क्रिकेटर आहे, हिन जो तज़ुर्बो हिकिड़ो आहे, त घटि में घटि क्रिकेट में बहितरी ज़रूरु ईंदी। त उन में ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ो इहो त हीउ पाण जॾहिं अपोज़िशन में हूंदो त तॾहिं चवंदो हो त वज़ीर आज़म खे इहो इख़्तियार न आहे। उन वक़्त में जॾहिं क्रिकेट बोर्ड जो चेयरमैन जॾहिं नवाज़ शरीफ़ रखियो त हिन सख़्तु रद्द अमल ॾेखारियो हो, ऐं हीउ छो त क्रिकेट एक्सपर्ट आहे नजम सेठी साहब, त हिन ओॾे सख़्तु रद्द अमल ॾेखारियो हो ऐं हिकिड़ी ख़तरनाक क़िस्म जी, ख़ौफ़नाक क़िस्म जी तनक़ीद कई हुई, ऐं नेशनल मीडिया ॾाढो हुनखे कवर कयो हो, त इहो वज़ीर आज़म जो सवाबदी थी नथो सघे। पर हिन जॾहिं रमीज़ राजा खे हुन साॻी अमल ऐं साॻी पंहिंजो पसंदि ऐं नापसंदि जे बुनियाद ते जॾहिं रमीज़ राजा खे रखियो हो त ओॾीमहिल असांखे इहो ख़दशो ज़रूरु हो त इहो साॻियो अमल पियो करे जेको हिन खां पहिरीं थींदो रहियो आहे, ऐं हिन मां सिर्फ़ु हिकिड़ी जेका तवक हुई त भई क्रिकेटर आहे ऐं क्रिकेट ईंदड़ ॾींहुं जेके आहिनि से बहितरीन हूंदा, ॿिए त असांजे का बि हिन मां का उमेद बहितरी जी कोन हुई, पर उहा असांजो जेको ख़्वाबु ऐं उन ते पाणी फिरी वियो हलियो, ऐं असांखे अॼु क्रिकेटर जा शौक़ीन जेके पाकिस्तान भर जा आहिनि माण्हू, उन्हनि जे अॼु जेके नौजवान आहिनि ख़ासि तौर ते, उन्हनि खे अॼु दिलनि खे सदमो रसियो आहे त हिकिड़ी क्रिकेट टीम ईंदड़ टाइम कल्ह खां वठी असांजे ख़्वाबनि में ख़्यालनि में असांजे ख़ुशी जा लम्हा जेके आहिनि से अॼु उन ते पाणी फिरी जी। अच्छा, नुसरत भाई साहब, कैसे देख रही हैं आप, टॉस होने से कुछ पल पहले न्यूजीलैंड की टीम ने ये कह के दौरा मुलतवी कर दिया है कि क्योंकि सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो उनको बेहतर समझ में नहीं आ रहे और वो उन्होंने दौरा मुलतवी कर दिया, आप इस तमाम तर मामले को कैसे देख रही हैं? जी नुसरत भाई साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, ये कोई एक बहुत कोई बिल्कुल मामूली चीज़ नहीं जो आज हुई है। मैच से कुछ देर पहले ये फैसला आता है उनसे, न्यूजीलैंड से, और जबकि उनकी पहले सिक्योरिटी टीम आके जायजा लेके जा चुकी है, 5-6 दिन से ये खेल रहे हैं और ग्राउंड में आते हैं, जाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है जो एक्चुअली पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, जब से वहाँ अमेरिका वापस गया है और जिस तरह वो वापस गया है और जिस तरह हिंदुस्तान की जो शिकस्त हुई है, क्योंकि वो 2007-2008 से उसके 13 कॉन्सुलेट थे वहाँ पे अफगानिस्तान में, और उन कॉन्सुलेट के जरिए वो तख़रीबकारी पाकिस्तान में करवा रहा था। अब इस वक्त जब वो गया है, उसके करोड़ों और अरबों रुपए नुकसान में गए हैं और वो वापस
अपने लोगों को लेके चला गया वहाँ पे। उसके बाद इनका इस तरह खामोश बैठना जो था ना, वो नामुमकिन था। अच्छा। अब पाकिस्तान को लेट डाउन करना है इन्होंने, और किसी न किसी सूरत में ये एक सिचुएशन क्रिएट करनी है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, पाकिस्तान सेफ नहीं है। जबकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी सारे बोल रहे हैं कि हम आके पाकिस्तान में 5-5, 6-6 दफा आके जा चुके हैं और इस तरह की सिचुएशन नहीं है, पाकिस्तान बहुत सेफ हेवन है हमारे लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है अमेरिका में भी और इंडिया में भी, क्योंकि हुआ ये है कि जब से अमेरिकन वापस गए, बल्कि जब से ओदर लिया है बाइडेन ने, उस वक्त से लेके अब तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से उन्होंने बात नहीं की। और अब इसके बाद तो जब वो अचानक गायब हो गए यहाँ से, सारा कुछ छोड़ छाड़ के तबाह और बात करके, और तालिबान ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, तो वजीर आजम बार बार हमेशा से ये बात करते थे कि जब वो वजीर आजम नहीं थे तब भी वो यही बात करते थे कि तालिबान के साथ लड़ना नहीं है, उनके साथ निगोशिएट करो, बातचीत करो, क्योंकि उनसे कोई जीत नहीं सकता। उनकी हिस्ट्री इस तरह की है, आज की नहीं बल्कि बहुत पहले से उनके साथ ऐसा ही है, उनके ऊपर आज तक कोई कब्जा नहीं कर सकता। वो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, वो इस तरह आपके बमों के और उनसे नहीं उनको शिकस्त दी जा सकती, और इस वक्त ने प्रूफ किया कि वाकई वो इस तरह के लोग हैं कि उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। अब वो क्या रहा है, CNN पे मैं प्रोग्राम देख रही थी, उस पर वो खातून फरमा रही है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता था उसका जो काम है वो सारा पाकिस्तान हेल्प आउट करता था, यानी तालिबान को हेल्प आउट पाकिस्तान कर रहा है, ये CNN इल्जाम लगा रहा है हमारे ऊपर। ठीक है। वो जो खातून जो तबसरा कर रही थी वो यही कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि जिसमें इस इलाके में जिसे कहना चाहिए जंगी सूरत हाल हो, इस इलाके में अमन खत्म हो। तो ये वाली जो चीज आज हुई है कि आप देखिए, जैसे ही न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम जा रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है, फॉरन इंग्लैंड की तरफ से आ गया मैसेज, क्योंकि पूरा यूरोप मिलके अब पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, और अल्लाह रहम करे कि ये लोग कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा हो, पाकिस्तान कुछ और कर रहा हो। अब इनके इस किस्म के तबसरे जब CNN पे। अच्छा नुसरत साहब, नुसरत साहब, आज जो दौरा मुलतवी किया है न्यूजीलैंड की टीम ने, आप समझती हैं कि इसका कोई सफारती ताल्लुकात भी है, कोई सफारती कनेक्शन भी है? अगर है तो फिर हम अकेले क्यों हैं? देखिए, अकेले तो हम इसलिए हैं कि सारे मुसलमान मुल्कों को ये लोग तबाह बर्बाद कर चुके हैं। पहले इराक को देख लें, लीबिया को देख लें, यमन को देख लें, कोई ऐसा फलस्तीन देख लें, कश्मीर में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है। और जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ पे पाकिस्तान को दबाया जा सके, तो फिर इनके इस तरह के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। हर चैनल अब आप देखिएगा, इनके यूरोप के जितने चैनल्स हैं वो सब पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो जाएंगे बात करना। और अल्लाह तो उनसे सब आप ये कह रही है कि न्यूजीलैंड का दौरा मुलतवी होने में अफगानिस्तान के मामलात, इराक के मामलात, शाम के मामलात, ये सब कनेक्शन एक साथ है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देख लें कि अभी इन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी की वजह से जा रहे हैं, इंग्लैंड का आ गया कि हम भी इसके ऊपर जायजा ले रहे हैं कि हम टीम को भेजें या ना भेजें। ये मतलब क्या है, ये एक प्लानिंग है कि नहीं? यूरोप जो है ना, कोई इकट्ठा मिलकर अमेरिका का साथ देगा, जिस तरह हमेशा इन लोगों ने दिया है किसी भी मुसलमान मुल्क को हमला करने से पहले, ये एक बनाते हैं तरकीब, और उसके बाद उस पर जिस तरह इन्होंने उसमें सद्दाम के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसके पास इस तरह के वेपन्स हैं मोहलिक किस्म के, और जब उन लोगों ने जाके सारी जांच पड़ताल की और देखा, जब उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह की कोई चीज वहां नहीं पाई जाती, तो उन लोगों को या तो मरवा दिया गया या उन्होंने खुदकशी कर ली। उनको एक्चुअली ऑयल चाहिए था और उस ऑयल के ऊपर उनका आज तक कब्जा है। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, कोई छोटी सी चीज नहीं होती। इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। चलिए फिर आप बताएं क्या इसमें अगर आप कह रही हैं कि इसमें यह आपको बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है और आप समझ रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, तो इस साजिश में कौन कौन शामिल है? साजिश में अभी मैंने आपसे अर्ज किया अमेरिका शामिल है, उसके अलावा तमाम यूरोप के ममालिक और भारत। भारत के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो हर लम्हे हमारी दुश्मन है। आप अपनी चैनल्स देख लें उनके, मेरे पास तो एक्सेस नहीं है लेकिन आप लोगों के पास होगा, आप इंडियन चैनल्स देख लें, उनके जाने के न्यूजीलैंड जाने के बाद के उनके तबसरे देख लें, आपको नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। क्योंकि BBC का तो मैंने, CNN का तो मैंने देखा, तो मैं आपको बता रही हूँ जी 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 ये वहाँ पे होता है।
ठीक है। अच्छा वीर जी, अवां के भी को सफारती मामलन ते इन दौरे जो को कनेक्शन नजर अचे तो पियो तो असा सफारती माज ते असा कमजोर जरूर आयो जो असा पंजी गाल जका है वा पंजा के दोस्तन उनन सा असा सही नमून सा पेश रखी न था सकूं तें करे ही मामला जेके न मिस हैंडल पथन दिसो इन मामले ते मु ताके पेरी बुदाया थी असा जो कौमी एकडो क्रिकेट पना समझो त तमाम घणी परसेंटेज आहे जका पाकिस्तान जी क्रिकेट फॉलोअर्स आइन लवर्स आइन उनके पसंद कन था। इन मामले ते मुखे पॉलिटिक्स बिल्कुल न करण खपे जी, पर मुझे जाती पॉइंट ऑफ व्यू आए तो ही टोटली जो असट जो फॉरेन पॉलिसी असि है जी सी दुनिया के असो पंजो मुतमिन न करे सग्या आयो जी। रुगो गाल ही ना है, दिसो ताके मिसाल देना पौंदा यो यो हर गाल में यो विझी छडन त भई पड़ोसी मुल्कन जो ठीक है वो साजिशो कंदा रहंदा आइन, पर इहा नई गाल ना है। साजिशन जे विच में असांखे कामयाबी की करणी आहे न, उन ते तव्हां जो नाकामी आहे। ॾिसो जेको कश्मीर जो मामिलो हो त तॾहिं हिते वज़ीरे आज़म जॾहिं अमेरिका खां वापसि आयो त हिते दोहल ऐं शहनान सां जो वेलकम थियो ऐं वापसि अची उन अनाउंस कयो त भई हर जुमे ॾींहुं ॿ कलाक असां कश्मीर सां यकजहत तौरु बीहंदासीं। ठीकु मूंखे ॿुधायो, ॿ चार जुमा माण्हुनि जकदे जे तौरु बीठा ऐं उनखां पोइ कश्मीर विसरी वियो, जुमो विसरी वियो, ॿ कलाक बि विसरी विया माण्हुनि खां। त तव्हां सियासी बुनियादनि ते एतिरो तव्हां माना इंटरनेशनल जेका पॉलिसी आहे तव्हां एतिरो तव्हां नाकामी थी आहे जो तव्हां केरु फ़ोन करण लाइ तयारु कोन्हे, केरु तव्हांखे रिस्पॉन्स सुठो ॾियण लाइ तयारु कोन्हे। त आउं सम्झां थो त हीउ मुल्की साहिबु जेको कुझु थियो आहे उहो क्रिकेट लाइ बहितरु न आहे, पोइ उहा क्रिकेट पाकिस्तान जी हुजे या आलमी तौर ते क्रिकेट आहे उन लाइ को सुठो मैसेज न वियो आहे त हिकिड़ी टीम जेका उहा मौजूदु हुजे उहा ग्राउंड ते वञे थी पई ऐं टॉस थियण खां कुझु पल पहिरियां सिक्योरिटी जो जवाज़ु ॾियणु वञे। हा ताकी ॾिसूं था पिया असां हिते PSL थिए पई, ॿिया इवेंट थियनि था पिया, ॿियनि मुल्कनि जा रांदीगर हिते अचनि था पिया, त अॼु को ॾींहुं जेको आहे उहो क्रिकेट लाइ बहितरु कोन्हे। ऐं सम्झां थो त असांजे मुल्क जी पॉलिसी, ख़ारजा पॉलिसी जेका आहे उनजी नाकामी आहे। अच्छा ॾिसो इहो शयूं बहितरु थी सघनि थियूं, उनखां पहिरीं बि थियूं हुयूं, पोइ वरी माण्हुनि खे एग्री कयो, माण्हू आया हिते थियो असां सभु कुझु, पर ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो असां वटि इहो जेको हिकिड़ो असां वटि ट्रेंड रहियो आहे न त भई हर जेका मामिलो आहे उहो तव्हां उनखे लॻाए छॾियो ऐं तव्हां इस्लामी खेॾियो, ठीकु आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां जेका सिक्योरिटी काउंसिल हुई उन में बि तव्हां जेको हितां खां वॾियूं ख़ुशख़बरियूं ॿुधाए विया त फलाणा फलाणा मुल्क असां सां गॾु आहिनि, पर जॾहिं सरज़मीन ते वियासीं त उहे जेके मुस्लिम ममालिक हुया उहे बि असां सां गॾु न बीठा। त हाणे इहो जेको असांजो नाकामी आहे उनखे तव्हां क़बूल कयो न, मञो त सही न, माण्हू सच त ॻाल्हायो न, माण्हुनि सां कूड़ छो था ॻाल्हायो। ॻाल्हि इहा चओ त भई असांजी नाकामी आहे उनखे बहितर कीअं बणाए सघिजे थो। इन मामले हीउ अहिड़ो मामिलो आहे जो क़ौमी मामिलो आहे, हिन ते असां सभु का बि अपोज़िशन पार्टी हुजे जेको मुल्की मफ़ाद जो मामिलो हूंदो उन में असां सभु गॾु बीहण लाइ तयारु आहियूं, पर शर्त सिर्फ़ु हिकिड़ो आहे त तव्हां सच त ॻाल्हायो न माण्हुनि सां। जेकॾहिं सच कोन ॻाल्हाईंदो त माण्हू तव्हां सां गॾु केरु केरु बीहंदो, न को असीं बीहंदासीं न को दुनिया तव्हां सां गॾु। ठीकु आहे ठीकु आहे, इन इन मौज़ू ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं। नुसरत भाई साहिबु, हम इसी मौज़ू पे और ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन यहां बार बार इशारा दिया जा रहा है कि ब्रेक लेना है, लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा इसी मौज़ू पे दोबारा बात करें। हज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर वहाँ भलीकार वक़फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं त न्यूज़ीलैंड जो पाकिस्तान दौरो मुलतवी, उन जा क्रिकेट ते कहिड़ा असर थींदा ऐं हाणे हुकूमत जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी। नुसरत भाई साहिबु, अब दौरा तो मुलतवी हो चुका है, अब इंग्लैंड की टीम का भी कुछ पता नहीं है कि वो आएगी भी या फिर उसको भी दौरा मुलतवी करना पड़ेगा, हुकूमत इस तमाम तर मामले को कैसे हैंडल करेगी, अब अगली हिकमत अमली क्या होगी कप्तान की और PTI की PCB की क्या होगी? देखिए मुझे तो रमेश राजा के ऊपर बहुत अहसास आ रहा है कि उनका अच्छे पहले ये दूसरा दिन ही था जब उन्होंने संभाली है अपनी उनको और उनके साथ क्या हो गया, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक दफा लाहौर में श्रीलंका की टीम आई भी थी और उनके ऊपर हमला हुआ था और बाद में पता चला कि वो सारे लिंक इंडिया से मिल रहे थे। तो इस बात को जरूर ख्याल में रखें कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया अचानक, नहीं हो गया, बहुत बड़ी कॉन्स्ट्रेसी हो रही है जैसे पहले भी मैंने कहा। अब जहाँ तक इसकी बात है, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने वो गैर मुल्की दौरे पे गए हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और उनसे बात की और उनको बताया कि यहाँ पे इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो रही, पाकिस्तान बाकायदगी से सेफ है, आप भेजें, हमने बहुत ज़्यादा इकदाम किए हुए उनकी हिफाजत के और आर्मी डिप्यूटेड है और उसके अलावा बाकी लोग भी उनकी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन खैर बहरहाल अब ये वाला एपिसोड तो हो गया, लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद सारा साल हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं खेली गई थी जी। और आपको पता है कि कितना ज्यादा हम लोगों ने इसकी वजह से सफर किया, आपको मॉनेटरी एस्पेक्ट भी होता है, तो उसमें सिर्फ यही नहीं होता कि लोग आए और खेल के चले गए, बहुत बड़ा मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है कि आप उसके जरिए आपकी कमाई हो रही होती है, आपके ऑडियंस जो आपको देख रहे होते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मुल्क में। और वैसे भी खेल जब होता है तो एक लाइटर मूड होता है सबका, जो एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है इसका,
अब देखें वजीर आजम वापस आते हैं चूंकि वो खुद भी क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं और रमेश राजा भी बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके बारे में जो मैं कल परसों से रिव्यू सुन रही हूँ और देख रही हूँ वो यही है कि वो बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह सब काम, लेकिन अभी उनको तो टाइम मिला ही नहीं है। तो नुसरत साहब आप पुरुमीद हैं कि इंग्लैंड की टीम का जो दौरा होगा वो होगा वो मुलतवी नहीं होगा, भले हमें उस पर उसके हवाले से कोई सफारती महाज पे कोई मेहनत करनी पड़े, कोई हमें कोई जो अपने जो दोस्त हैं हमारे सफार जो दीगर ममालिक के हमारे दोस्त हैं हमें उन्हें एंगेज करना पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड का दौरा हो। जी बिल्कुल इंशाल्लाह इंग्लैंड का दौरा होगा क्योंकि इस तरह खामोश नहीं बैठा जाएगा और कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म खुद भी और रमीज राजा साहब भी और उसके अलावा सफारती ताल्लुक जो भी हैं हमारे दूसरे ममालिक के साथ उसको चलिए आप पुर उम्मीद हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड का दौरा हो और जो अभी जो जो मायूसी फैली है वो कम से कम उम्मीद ही में फैले, हम सब इसलिए दुआगू भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत इस हवाले से काम करेगी। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं और वो टॉपिक है हमारा आई वोटिंग का, कि वोटिंग मशीन का जो मामला है वो हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन तो अलग अलग पेजेस पे हैं, उनकी तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जारी है, लेकिन अब दो इदारे आपस में आमने सामने हो गए हैं। हुकूमत इस तमाम तर मामले को कैसे देखेगी, क्या हुकूमत क्यों बजिद है कि जो वोटिंग मशीन है उससे ही इलेक्शन हो, जो जो हमारा सिस्टम चल रहा है उस पर क्यों नहीं? जो हमारा सिस्टम चल रहा है आपको पता है ना उसमें क्या होता है कि रात को 11 बजे रिजल्ट कुछ और होता है, लोग घरों को जाकर सो जाते हैं और सुबह रिजल्ट कुछ और होता है, मतलब उसमें बेईमानी की इतनी इतनी ज्यादा आपके लूप होल्स हैं कि जिसको हम पीछे नहीं कर सकते और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही सिर्फ उसका वाहिद हल है कि वो बेईमानी नहीं करेगी, उसमें अच्छा। जो कुछ भी होगा वो कंप्यूटराइज होगा और सब कुछ सामने आ रहा होगा और साथ साथ पता चलता जाएगा, लेकिन जो ये लोग इंसिस्ट कर रहे हैं जाहिर है इनको तो आदत है ना इसकी, इनके जमाने में जिस तरह इलेक्शन होता रहा है और ये लोग जीतते रहे हैं, इल्ज़ाम तो ये लोग भी लगाते हैं हमारी हुकूमत के ऊपर और हमारी हुकूमत लगाती है उनके ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ है बेईमानी हुई है क्योंकि ये हमें पता है 13 के इलेक्शन में मुझे खुद एक नून लीग साहब ने बताया कि किस तरह हम अपने लोगों को बीबीसी का नुमाइंदा बना के पोलिंग स्टेशन ले गए और वहाँ बिल्कुल सिमिलर बैग थे उनके पास भी जो वहाँ पे लोग होते हैं उनके पास भी और वो एक्सचेंज वहाँ हुए और जब बाद में खोले गए तो जाहिर है वो वोट थे सारे, तो फेक वोट्स का कोई एक तरीका कार नहीं है, बहुत सारे और साल साल से ये लोग अपनाए हुए हैं और उसके ऊपर कर रहे हैं। तो लेकिन उससे साहब ये जो मशीन आप मुतारफ करा रही हैं उस पर तो अपोजिशन के तो एतराज़ अपनी जगह पे, लेकिन उस पर तो इलेक्शन कमीशन के पे भी उनके भी एतराज़ आते हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी इसमें मुतमिन नहीं हैं, तो जब कोई भी इसमें मुतमिन नहीं है तो फिर आप बजिद क्यों हैं? देखिए इलेक्शन कमीशन का मैं उसके बाद क्या कहूँ कि इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह को मुंतखब जब किया गया था हमारी हुकूमत ने किया था जाहिर है, तो मैं ही समझती हूँ कि उससे पहले बहुत अच्छी तरह गूगल पर जाके देख लेना चाहिए था कि किस कदर क्लोजली रिलेटेड हैं ये नून लीग के सरबराहन के साथ। अच्छा। और वो क्या बात करेंगे इसके अलावा, उनको तो जाहिर है कि जब उनकी रिश्तेदारी है वहाँ पे उनके साथ वो काम करते रहे सारा कुछ होता रहा तो वो हम जब तो उनके ही होंगे। दस का इलेक्शन में आप देख लेंगे इल्जाम हमारे पर लग रहा था बीमारी का लेकिन एक्चुअली हुआ उसके बिल्कुल बरक्स था, तो और मरकजी रहनुमा है, लेकिन उससे पहले मैं वीर जी से मालूम करूंगा। वीर जी एक नुसरत राय साहब चाहे पे तहां के आदत थी चुकी है, तहां जे तरीके से इलेक्शन करायूं हन वो सब फेक हन, उन्हें इलेक्शन जो तहां के फायदो थियो इन करे तहां हाणो जदीद सिस्टम ना था वणो। ॾिसो सभिनी खां पहिरियों नुसरत राय साहब जो हिकिड़ी साहिबा जो हिकिड़े ॻाल्हि ते ऐं उनखे क़बूल कयां थो त हुन ॾाढो सच ॻाल्हायो आहे, हुन चयो आहे त हिन में इलेक्शन में दांदली थी आहे, असां जेको चयो पिए असां चयो पिए त दांदली थी आहे, असां चयो पिए त इहे सिलेक्टेड न आहिनि इलेक्टेड आहिनि, हुनजो एतिराफ़ कयो आहे, सिलेक्टेड आहिनि, असां चयो पिए त इलेक्टेड न आहिनि सिलेक्टेड आहिनि, त सिलेक्टेड जो पहिरियों दफ़ो एतिराफ़ कयो आहे,
हुन एतराफ़ कयो आहे। ॿी ॻाल्हि त ॾिसो सिफारती मामले ते हुननि पंहिंजे ॾिसो हिकिड़ी ई हिननि जी सॼो जेके बि तव्हांजा मिनिस्टर ॾिसो MPA ॾिसो MLA ॾिसो PTI जा हूंदा उहे ज़रूरु ॿिए जी वारी विच में टंग अड़ाईंदा। इहो हुननि जो पेशो हिननि जो परवरिश इहा थी आहे। हुननि पोइ ॻाल्हायो पियो त मूं विच में कोन पिया ॻाल्हायो। ॾिसो सिफारती मामले पे इनकी नाकामी हुई है, ये उनको बताना पड़ेगा। जिस तरह का रवैया लीडर का होता है दुनिया उसी तरह का रिस्पॉन्स देती है। ये जो मुल्क का वज़ीर आज़म हो वो पाकिस्तान से बाहर जाए और फिर वो बात करे कि मैंने वापस जाना है पाकिस्तान और जो जेल के अंदर पखे लगे हैं वो मैंने निकालने हैं, फिर वो चाइना जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि मैंने जो वापस जाऊँगा तो मेरे बस में हो तो मैं 500 लोगों को टांग दूँ जो अपोजिशन के हैं। तो जो आप थानेदार जैसा वज़ीर आज़म बनाओगे और यही रवैया होगा तो फिर दुनिया आपको उस तरह से रिस्पॉन्स देगी। नंबर वन, देखो मैं दूसरी तरफ आता हूँ, दूसरी बात यह है कि मैं ये बताऊं कि जिस तरह का माहौल है इलेक्शन कमीशन ने जो नुकात सामने रखे हैं वो आप पढ़ लें। उन्होंने बताया सारा कि भाई मौजूदा जिस तरह का तरीकेकार हो रहा है, जिस तरह की यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन, आपको पता है कि धुंध में पूरा अमला गायब हो गया था, तो इस जिस तरह ये धुंध के अंदर जो अमला पूरा धुंध का शिकार हो जाता है, वहाँ पर अगर 4-5 मशीनें धुंध का शिकार हो गई तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। नंबर वन। नंबर दो, कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर इस वक्त जो वोटर बेल्ट जो होता है जिस पे अंगूठे का निशान वगैरह जो निशान होता है, तो अगर कोई रिकाउंटिंग के लिए या अगर चैलेंज करता है तो हमारे पास कोई सबूत होगा, हम पेश कर सकते हैं। लेकिन एक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन है, वो जब हम दूसरी दफा लेकर जाएंगे तो उसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल मामला हमने नहीं कह रहे, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मौजूदा साजगार माहौल नहीं है इस तरह का जहां पर हम नाफिज कर सकें, और उसके बावजूद इनको यहां तो पता नहीं किसने इनको आसरा दिया है कि भाई आप इसी पे जिद हो जाएं, क्योंकि इसके बगैर आपका अगली दफा आना मुमकिन नहीं है। उसके बगैर आप इलेक्शन कमीशन, और जिस तरह का रवैया इस्तेमाल करते हो आईनी इदारों के खिलाफ, आप कहते हो वो डूब में बने आग लगा देंगे। इससे पहले आपने एक कोर्ट के, मुझे बताएं कि एक कोर्ट के खिलाफ कोई फैसला आता है, आपके पास अपील का इख्तियार मौजूद है, उसके बावजूद आप कोर्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि जज का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये जो आपका रवैया है आईनी इदारों के खिलाफ, ये जो रवैया है वो आपके इस पे बात। अच्छा नुसरत साहिबा, ये जो बात वीर जी कुली साहब कह रहे हैं कि जो टेक्निकल मामलात हैं इस मशीन में, आप नहीं समझती कि ये जो टेक्निकल जो सवाल उठ रहे हैं टेक्निकल बुनियादों पे, उससे पहले तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं, अपोजिशन है, दीगर इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, यहाँ भी तो नादरा भी है, तो इन सबको कोई अच्छी ब्रीफिंग दी जाती, इनको एतमाद में लिया जाता, इनके जो खदशात हैं वो ख़त्म किए जाते, उसके बाद मतलब मुत्तफिका तौर पर अगर इस बात की अनाउंसमेंट होती तो बेहतर नहीं था? बिल्कुल बेहतर था। और मेरे ख्याल में इसके लिए काफ़ी अरसे से, मैं आपको बताऊँ असेंबली में पिछले 4 महीने से वो मशीन रखी है, और जो भी आता है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो आपको सारा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। इसमें अपोजिशन के लोग भी आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हम लोग भी गए, हमने भी जाके एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हर बंदे ने जाके उसको अच्छा किया है। तो इस तरह की बात नहीं कि ये कह रहे हैं कि जी वो वोट का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, वो कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, इस तरह नहीं होगा कि आपने वोट डाला और वो जाया हो गया या वो चला गया जी, पता चल गया कि इन्होंने ऐसा किया, इस तरह की कोई चीज नहीं होगी, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा और उसमें वो रिकॉर्ड रहेगा। चलिए आपको जो ब्रीफिंग दी गई है, आप ये कह रही हैं कि उसमें कोई भी वोट खारिज नहीं होगा बल्कि वोट रहेगा। निसार चीमा साहब से उनका मौकिफ ले लें। निसार चीमा साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो वोटिंग मशीन है इस पे आपको, आपकी पार्टी को क्या एतराज़ आता है? और दूसरी बात, जो नुसरत वाहिद साहिबा फरमा रही हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनकी बहुत वाबस्तगी रही है, बहुत क्लोज रहे हैं नून लीग की क़यादत से, इस हवाले से वो अब बायस बनते जा रहे हैं। जी चीमा साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, अब हमारा रब्ता अभी मुनक़ता हुआ है, जैसा ही हमारा रब्ता बहाल होगा हम निसार चीमा साहब से उनका मौक़िफ़ लेंगे। जी नुसरत भाई साहब, आपको यकीन है कि ये जो खदशात हैं, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन से, अपोजिशन के और इलेक्शन कमीशन के, वो ख़त्म होने वाले हैं, वो कोई ऐसे खदशात नहीं है जो नामुमकिन हो? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि देखें ये लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शन में धांधली ना हो, जो लोग इनको वोट दें वो इनको ही मिलें, कहीं और ना चले जाएं। और जाहिर है हमारी भी हमेशा से ये कोशिश रही कि मुल्क में धांधली ना हो, किसी ना किसी तरह इस करप्शन को ख़त्म किया जाए और साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो ये लोग भी मान लेंगे कुछ अरसे में, अभी अगर इनको कुछ तहफात हैं या कुछ सोच रहे हैं कि गलत हो रहा है तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, और कुछ अरसे में मेरे ख्याल में
इलेक्शन से काफी पहले ये लोग उस चीज को एक्नॉलेज कर लेंगे कि ब्रूटलाइज्ड ही। तो आप उम्मीद है कि 2023 की इलेक्शन इसी वोटिंग मशीन से होगी? जी अच्छा अच्छा वीर जी कुली साहब, सो यो आईनी मामलो आहे जी, खबर ही कोन है मासूमन, यो आईनी मामलो आहे। आईन चवे थो तो जो वोटिंग आहे उहा एकड़ मखसूस खुफिया ब्रेड पेपर जे थ्रू थींदी, इन मशीन जे थ्रू सजो रिकॉर्ड थींदो। सुभाणे यो ॾिसी सघां थो तो मूंखे कंहिं कंहिं वोट ॾिनो, कंहिं कंहिं कोन ॾिनो। ऐं पाकिस्तान जो आईन चवे थो तो खुफिया तरीक़े सां वोटिंग थींदी। जेकॾहिं तव्हांखे शौक़ु आहे हुन पासे वञण जो, त फ़िलहालु तव्हां ॾिसो इलेक्शन कमीशन जेको आईनी इदारो आहे, सिर्फ़ु उनखे इहो मैंडेट आहे त इलेक्शन कहिड़े तरीक़े सां कीअं कराइण जी ज़रूरत आहे। जेकॾहिं तव्हां उनखे तब्दील करणु चाहियो था त तव्हां टीवी ते बयानु नथा ॾेई सघो। तव्हां गवर्नमेंट वेठा आहियो, तव्हां हुकूमत जी पाले ॾिसो आहियो, तव्हां हींअर हुकूमत में रहंदे जेकॾहिं तव्हांखे लॻे थो उनमें का तब्दीली आणणी आहे त हीउ आईनी मामिलो आहे, तव्हां आईन में तरमीम आणियो, उनखां पोइ तव्हां हीउ करे सघो था। टीवी ते वेही भाषण ॾियणु तव्हांखे सूंहे कोन थो। अपोज़िशन वारा डिमांड करे सघंदा, अपोज़िशन वारा मुतालबो करे सघंदा त ईअं न ईअं थियणु खपे, ईअं न थियणु खपे, पर हुकूमत धुर जेका आहे, जेका हुकूमत में हुजे, उनखे इहो सूंहे ई कोन थो। तव्हां इलेक्शन कमीशन जेको आईनी इदारो आहे उनजे ख़िलाफ़ु तव्हां अहिड़ी ॿोली इस्तेमालु करियो ऐं उहे उहा ज़बान इस्तेमालु करियो जेका गहराईनी आहे। जेकॾहिं तव्हांखे लॻे थो त हिन में का तब्दीली आणणी ज़रूरत आहे, तव्हांखे आईन में तरमीम आणणी पवंदी। जेको खुफ़िया राय शुमारी आहे, तव्हां कहिड़े तरीक़े सां आईन जेको इलेक्शन कमीशन जो टेक्निकल टीम जेका आहे उहा IT जी ब्रांच उहा चवे थी त हीअ इलेक्शन नुसर वाइद साहब चवे थी त तमामु तर मामला हल थी वेंदा ऐं अपोज़िशन जा जेके ख़दशा आहिनि उहे बि दूरि थींदा। जी 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 नुसर साहब, अगरि आप कुझु एड करणु चाहती तो वो कुरान शरीफ नहीं है, कोई हदीस नहीं है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर वो आयन में तरमीम लानी पड़ी तो आयन में तरमीम भी लाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि उसके बगैर हो जाएगा। ये लोग फौरन इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि पढ़े हुए नहीं है, कुछ पता नहीं है। आपको सब कुछ पता है तो आप उसको सोचें और देखें और करें कि ये किस तरह हो सकता है, इसमें चेंज हो सकता है। ये आयन है, कोई कुरान हदीस नहीं है जिसको हम चेंज नहीं कर सकें। तो इसलिए प्लीज आप इस किस्म की बातें मत किया करें। इनको कुछ नहीं पता और मुझे सब कुछ पता है, मैं तो आलम फाजिल कहीं से आया हूँ। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि इसमें इसमें अगर तरामीम की जरूरत हो तो फिर तरामीम तो हो सकती है, और हमने देखा कि अब तक तरामीम हुई है और तरामीम तो होती रहेंगी जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा और मुत्तफिका तौर पे चीजें वक्त के हिसाब से चेंज हो रही होती हैं। ऐसे नहीं होता कि 1970 में अगर या 1880 में कोई चीज बन गई है तो वो अब तक चेंज नहीं होगी। लेकिन नुसरत साहब, ये जो वीर जी कुली साहब एक और बात कह रहे हैं ना कि जो वोट का जो एक खुफिया तरीका है, जो आपका आईनी हक है कि आपका वोट जो है वो सीक्रेट हो और जिसका इल्म फकत आपको कि आपने वोट किसको कास्ट किया है, वो इस जो वोटिंग मशीन है उसमें वो सीक्रेट वो खुफिया राय शुमारी वाला जो मामला है वो फिर मामला हल होते हुए नजर नहीं आएगा। आपको पता चल जाएगा कि किसने आपको वोट दिया है, किसने नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होगी कि हमें पता चल जाएगा वहां पे। अच्छा, कोई चले 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 चलिए आपको यकीन है कि मामला नहीं हुआ। निसार चीमा साहब से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि ये जो वोटिंग मशीन है इस पर आपको एतराजात क्या हैं, और दूसरा ये जो PTI की हुकूमत और अभी नुसरत वाहिद साहबा ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बहुत क्लोज हैं आपकी पार्टी की आदत से, इसलिए वो बायस हैं इस वोटिंग मशीन से। नाम तजवीज इमरान खान ने किया है, किलो दोस्त क्यों हो गया। मेरी गुजारिश तो ये है जी कि कोई इदारा कोई फर्द जो हुकूमत का आलाकार बनने के लिए तैयार नहीं होता जी, जो अपोजिशन को दबाने के लिए हुकूमत के मकासद में उनका मुआवन नहीं बनता जी, वो ये है कि वो काबिल कबूल नहीं है हुकूमत के लिए, खाकू फर्द हो या इदारा हो। अच्छा। जो भी उनका आलाकार नहीं बनता वो ये है कि वो उनके निशाने पे आ जाता है। देखिए गुजारिश जी, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन का हाल है, जिनको उस वक्त यह है कि उनके बारे में बड़े अच्छे ख्याल का जज्बात का इजहार करते रहे, बड़ी अच्छी राय का इजहार करते रहे जब इन्होंने उनका इंतखाब किया था जी, और उन्हीं की ये ख्वाहिश थी, उन्हीं की तजवीज पे ये हुआ। दूसरी बात जो है वो ये है, देखें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात नहीं है वो, यानी मशीन चलाने वालों की बात है। अच्छा। सिस्टम की बात नहीं है, सिस्टम चलाने वालों की बात होती है। जब तक सिस्टम चलाने वाले काबिल एतमाद नहीं होंगे, जानदार और बासूल नहीं होंगे, उस वक्त तक इस तरह के शकूक व शुबात पूरे निजाम पे रहेंगे। देखिए बात यह है कि कई बार मैं वो शेर सुनाता हूँ, ब्रिटिश पोएट जो था अलेक्जेंडर पोप, उसका शेर है कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक फूल्स कंटेस्ट, व्हाटएवर इज बेस्ट एडमिनिस्टर्ड इज बेस्ट।
वही निजाम बेहतर है जो अच्छी तरह फंक्शन कर सके, जो डिलीवर कर सके, वही सबसे अच्छा है। बिल्कुल, बात यह कि निजाम की बात नहीं, निजाम चलाने वालों की बात है। और चलाने वाले जो है, देखें, अगर ये है कि आप देखें कि मैं पूछता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात है जी, जिसके हाथ में इस मशीन की प्रोग्रामिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, उसके लिए तो धांधली करना और आसान हो जाएगा। दूसरी बात जो ये है कि अपोजिशन के एतराजात को छोड़ें, खुद ये इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर 37 जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किए जी। ये 37 एतराज जो है वो इलेक्शन कमीशन के अपोजिशन के नहीं है, उन्होंने एतराज किए कि ये जो है इसमें फ्लॉज है, ये ऑब्जेक्शन है, ये रिजर्वेशन है, ये वीकनेसेस है, और इसके ऊपर ये एतराज है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, बाजी में जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं, जो भी हार जाता है वो इल्ज़ाम लगाता है। आपने देखा कि आरओ इलेक्शंस कहा गया, फिर आपने देखा कि आरडीएस वो बंद हो गया। तो हम अगर इसी तरह से चलते चलेंगे तो फिर तो मामला तो ऐसे ही होंगे ना, हमें आज नहीं, कल नहीं, परसों, हमें आगे तो बढ़ना होगा। हमें बढ़ने का तरीका ये है कि आप पूरी कौम के नुमाइंदों को, पूरी ऑपोजिशन को आप साथ लेके चले, उनके साथ मिल बैठे। और ये कि अगर कोई निजाम बदलना है तो पूरी कौम का इत्तेफाक होना चाहिए, पूरी ऑपोजिशन का इत्तेफाक होना चाहिए, हुकूमत का और ऑपोजिशन का मिलकर आप फैसला करें अगर कोई निजाम बदलना है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ कराची, लाहौर या पिशावर में इस्तेमाल नहीं होती होनी, ठीक है, ये दूर दराज इलाकों के बलोचिस्तान, इंटीरियर और ये केपी के पंजाब के देहात में ये इस्तेमाल होनी है। चाहिए कि हमारे लोगों का लिटरेसी रेट इतना है, उनका जो है वो देखे। बात ये है कि हम तो ये मैनुअल जो सिस्टम है उसके ऊपर भी लोगों को ये कि उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए बिल्कुल ये मुद्दे लगी है, और अब भी ये है कि उनसे गलतियां हो जाती हैं। हमारे वोटर जो है जो नाखानदा है, अनपढ़ है, उनसे बेशुमार दफा गलतियां हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका एक नया सिस्टम शुरू करने से पहले आप ये है कि उसकी बड़ा एक ट्रेनिंग की जरूरत है, और उससे भी पहले जरूरत इस बात की है कि पूरी कौम को, कौम के नुमाइंदों को, ऑपोजिशन को साथ सब सब सबको एतमाद मिले। अच्छा नुसरत भाई साहब, बिल्कुल, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुख्तसरन बताइएगा कि अब हल क्या है इस तमाम तर मामले में, आपको हल क्या होते हुए नजर आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में कह रहे हैं? जी। अच्छा, हल यही है कि आस्ता आस्ता इन लोगों को कन्विंस कर लिया जाएगा उसमें, क्योंकि अच्छा। मैंने अभी आपसे कहा कि ये लोग भी चाहते हैं कि ईमानदार इलेक्शन हो, हम भी चाहते हैं कि ईमानदार इलेक्शन हो। ठीक है, आप पूरी उम्मीद है कि इसका हल निकलेगा, और ये तमाम जो है अपोजिशन और इदारे जो हैं वो राजी हो जाएंगे इस पे। वीर जुकुरी साहब, 20 सेकंड। आज़ाद ऐं खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनाइण जी ज़रूरत आहे जी, ऐं जेकॾहिं हिननि खे इहो अकुल आहे ऐं समझनि था ती आईनी मामलो आहे, त पोइ हिन खे इलेक्शन कमीशन सां गाली गलोच ऐं हुन जे बदज़बानी करण जी ज़रूरत कोन्हे। ही हलिया वञनि सिधो फोरम हिकिड़ो आहे, पार्लियामेंट मौजूदु आहे, हुन में जेका तव्हांखे तब्दीली करणी उहा करियो। तव्हां बदकलामी छो था करियो इदारनि सां? ठीक है, इदारनि खे तव्हां तमाशो छो था बणायो इदारनि जो? हुनजे ख़िलाफ़ ॿोली इस्तेमालु छो था करियो? तव्हां गवर्नमेंट में तव्हां अचो मैदान ते, उनमें आईनी तरमीम जेका करणी आहे उनमें तव्हां हुकूमती ऐं अपोजिशन पार्टियुनि सां मिली करे तव्हां आणियो तब्दीली। वॾी महिरबानी वीर जी कुली साहिब, नुसरत वाहिद साहिबा, डॉक्टर निसार चीमा साहिब, अवां टिनि मौज़ो महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अवां जेको प्रोग्राम ॿुधो, नुसरत वाहिद साहिबा, पूरी उमेद आहे त हीउ जेको वोटिंग मशीन वारो मामिलो आहे इहो मुतफ़िक़ा तौर ते हल थींदो, ऐं 2023 वारी इलेक्शन जेका आहे उहा हुनखे वोटिंग मशीन ज़रिए थींदे नज़र अचे पई। हाणे ॾिसणो इहो आहे त अपोजिशन हुन ते कीअं राज़ी थी थियनि, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद ममताज़ रेठी ॾींदा इजाज़त, अलाह भाई।